बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर विधानसभा के चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति बहुजन समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बनाई गई है। और दरअसल आपको मैं बताने की कोशिश करूँ तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आपको बता दें कि अपना एक तरीके से आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खास तैयारियाँ हैं वो शुरू कर दी है। और इसके अलावा आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के साथ साथ उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीमराज पर, मुनकात अली, रामजी गौतम सहित तमाम जो नेता है पार्टी के वो पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। लगातार पिछले कई दिनों से हम देखने की कोशिश करें तो एक चीज साफ नजर आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ये सब आपको बता दें कि राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इन्हीं को हम देखने की कोशिश करें तो साफ बड़ी खबर आई है कि बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई दिनों के अंदर कहीं संगठनात्मक बदलाव किए हैं, संगठन में चेंज करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक जो माहौल है उसको आपको बता दें कि क्रिटिसाइज करने की कोशिश में बीएसपी देखने को मिली है। इसके अलावा जो आपको बता दें कि संगठन है उसको मजबूत करने में और जो एक तरीके से साइलेंट जो लोग हैं उनको तैयार करने में, इन तमाम चीजों के अंदर दिलचस्पी है बीएसपी की तरफ से दिखाई गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पिछले दिनों दिल्ली स्थित अपने आवास में थी, लेकिन पिछले एक महीने से आपको बता दें कि कम से कम उनको होने को आया है और 20-25 दिन हो गए हैं वो दिल्ली स्थित आवास से बजाय अब लखनऊ स्थित आवास में आ चुकी है। लखनऊ वो यहाँ पर रह रही है और तमाम जो एक तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कुल मिलाकर एक चीज़ साफ नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक माहौल है उस राजनीतिक माहौल के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी लगातार आपको बता दें कि एक अच्छा माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 2007 के अंदर उनकी पार्टी की सरकार में आई थी उसी तरीके से एक बार फिर से राजनीतिक माहौल बने और उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी सरकार में आए। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ। तब तक आप चले थे विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।